ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरी है। कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और विराट कोहली का फैसला उनके हक में साबित हुआ, वो भी इसीलिए क्योंकि मात्र 14 रन के स्कोर पर कप्तान एरन फिंच पवेलियन लौट चुके थे। एरन फिंच का विकेट गिरने के बाद कप्तान कोहली तो खुश हो गए, लेकिन 10वें ओवर में एक ऐसा वाकया हुआ जब कप्तान विराट कोहली को मैदान में धोनी की याद आ गई। जी हाँ, 10वां ओवर फेंक रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, सामने बल्लेबाजी पर थे स्टीव स्मिथ। सुंदर ने जैसे ही गेंद डाली, स्मिथ ने आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहा और गेंद मिस हो गई। पीछे खड़े विकेट कीपर केएल राहुल स्टीव स्मिथ का स्टंप नहीं उखाड़ पाए और स्टीव स्मिथ आउट होने से पहले क्रीज पर पहुंच गए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से स्मिथ अपनी क्रीज से बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन केएल राहुल गेंद को पकड़ नहीं पाए और स्टंप से चूक गए। बस यही देखकर विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी को याद करने लगे, क्योंकि अगर धोनी होते तो स्मिथ डगआउट में बैठे होते। लेकिन केएल राहुल की गलती को वॉशिंगटन सुंदर ने उसी ओवर में सुधार दिया और अपनी चौथी ही गेंद पर स्टीव स्मिथ को बोर्ड मार दिया। लेकिन राहुल के स्टंप के पीछे मिसफील्ड को देखकर विराट कोहली को कहीं न कहीं महेंद्र सिंह धोनी जरूर याद आ गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।